बनकर फ्यूचर स्टार है, फ्यूचर विराट कोहली आप जो भी बोले उसको, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। ठीक है, ये चीजें होती है कि हम लोग जो हमारा टैलेंट आता है प्रमोट करते ही नहीं है, पर्ची वाला सिस्टम आ रहा है वहां, अब ये चीजें नहीं रही। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारा मैच था उसमें हम क्लूलेस हो गए थे, हमने हिम्मत हार ली थी, इन्होंने क्योंकि इनको पता था रन ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा रोहित एंड हार्दिक पांड्या को, सिराज को। बात तो सही है प्लेयर चले, अब बुड्ढे भी खेलेंगे आके, अब ये कहना चाहिए नो डाउट कि वो एक टाइम पे प्लेयर थे, वो खेले हैं, ठीक है। अब बुड्ढा किसे बोल रहे हैं, नहीं, कंसिस्टेंसी का दूसरा जो नाम है ना भाई, वो शुभमन गिल है। इस बंदे ने पिछले मैच में भी लाजवाब खेला है और इस मैच में भी जो है वो लाजवाब नहीं बल्कि धुआंधार खेला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिकबैट स्पोर्ट में स्वागत है। दोस्तों, कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ओडीआई मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह हरा दिया है। दोस्तों, भारत की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 208 जड़ के इतिहास रच दिया, साथ ही साथ मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने पूरी न्यूजीलैंड की कमर तोड़ डाली। दोस्तों, इस बार ये पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो के रहे कि पाकिस्तान रोज घर पे हारते जा रहे, लेकिन भारत ने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरह अपने घर पे हरा दिया। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलो दोस्तों, इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं जानते हैं। जो हमारा मैच था उसमें हम क्लूलेस हो गए थे, हमने हिम्मत हार ली थी, इन्होंने क्योंकि इनको पता था रन ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा रोहित एंड हार्दिक पांड्या को, सिराज को, कि उस टाइम गेम में नर्व्स पे कंट्रोल रखा, कि लोग पता था हमें सिर्फ एक विकेट चाहिए, हम गेम में वापस आएंगे। रियल मायनों में आज ओडीआई की जीत हुई है। जो लोग ये बोलते थे कि ओडीआई क्रिकेट खत्म हो गई है, ओडीआई का कोई फायदा नहीं, इसको कम कर दो, इसको ये कर दो, ये बड़ी अच्छी बात कही है। पाकिस्तानी नया बैट्समैन आया, उसने 200 स्कोर की ट्राई भी की हो? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। क्या रीजन है, क्या हमारे बैट्समैन थे जीता नहीं है, लंबा खेल नहीं सकते? नहीं, खेल तो सकते हैं, लेकिन स्टेमिना की बात है ना, स्टेमिना है नहीं ना इतना। पाकिस्तानी प्लेयर में स्टेमिना नहीं है, बहुत कम है। कैसे करेंगे? बहुत कम है। अगर हम पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को इंडियन बैटिंग लाइन से कंपैरिजन करें, कौन सी बेहतर लगती है आपको? मुझे बेहतर जो है वो तो इंडियन है, लेकिन लगती तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी लगेगी ना यार। बात यह है कि पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर्स हैं, कभी किसी ने ट्राई नहीं की कि 200 तक पहुँच सके, और ना मेरे ख्याल में अभी तक कोई पहुँचा भी नहीं है, और हो सकता है कि आगे भी ना ही पहुँचे। शुभमन गिल कंसिस्टेंसी का दूसरा जो नाम है ना भाई, वो शुभमन गिल है। इस बंदे ने पिछले मैच में भी लाजवाब खेला है और इस मैच में भी जो है वो लाजवाब नहीं बल्कि धुआंधार खेला है। से एक वक्त ऐसा था कि बॉलर्स के चेहरे उड़े हुए थे, हवाएं उड़ी हुई थी भाई, ये फर्गुसन की दूसरे की, यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, इनके वहां पर हार्दिक पांड्या होते, स्काई होते, वो इस तरह से मारते तो वो सोचने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा हुआ था कि शुभमन गिल आखिरी ओवर में जो है इस तरह से जो है वो कत्लेआम करेगा हमारी बॉलिंग का। इनके बिल्कुल जो है वो उनको समझ नहीं आ रही थी यार इसको बॉल करें तो करें कहां पर। फर्गुसन को जितना शुभमन गिल के सामने मैंने बेबस देखा है ना, यकीन माने इससे पहले फर्गुसन को मैंने कभी इतना बेबस नहीं देखा है। ओह माय गॉड, वाओ।